अध्याय 15। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बात पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीही यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, जिससे तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बढ़ाई करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीही परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उनकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। फिर यशायाह कहता है कि यिशै की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाब करके लिखा है, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीही यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। सो उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन कर्म चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नेव पर खर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब इस पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकी दुनिया और अख्या के लोगों को यह अच्छा लगा
कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें। अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। सो मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्पानिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाई। और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन।